जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के ऊपर। हम सिर्फ उन राष्ट्रीय उद्यानों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों जो 2023 और 24 में समाचार में थी, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आजकल डायनेमिक नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या है। 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो बताइए 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो याद रखेंगे ये कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, ठीक है। दोस्तों इसका नाम बदल के अभी कुछ और रख दिया गया है, वो क्या है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए, राम गंगा। इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मध्य प्रदेश, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, ऐसा अगर प्रश्न बने दोस्तों तो ये टाइगर के लिए फेमस है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखे क्या है, हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को में पा सकते हैं, बताइए किस प्रदेश में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो दोस्तों ये न्यूज में टाइगर्स की संख्या को लेके था और इसको हम राजस्थान में देख सकते हैं, ठीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, बताइए, ये है आपके राजस्थान में। राजस्थान में अन्य भी राष्ट्रीय उद्यान है जैसे केवलादेव, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। उसके बाद आपने सरिस्का का भी नाम सुना होगा, वो भी आपको राजस्थान में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अन्य भी राष्ट्रीय उद्यान है, और रणथंभौर क्यों न्यूज में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स की संख्या को लेके बात हो रही है, ठीक है। तो इतना बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर चार के ऊपर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आसाम में, ठीक है। किस लिए फेमस है दोस्तों, ऐसा अगर प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे, एक सिंह वाले गैंडे के लिए, ठीक है। तो एक सिंह वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, कहाँ पे बताइए, ये पाया जाता है आसाम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और में नहीं पाया जाता, लेकिन मुख्यतः एक इसमें पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। एक सिंह वाला गैंडा, ठीक है, याद रखेंगे, जिसके लिए ये फेमस है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर छह के ऊपर, लुप्त प्राय एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर छह का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें एक प्रश्न कोई छूटा गया है, चार पांच, चलिए कोई बात नहीं, पांचवा प्रश्न बीच में कहीं देख लेंगे, ठीक है। तो लुप्त प्राय एशियाई शेर आपको देखने को मिलता है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम बोलते हैं मैराइन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों, मैराइन, ठीक है। मैराइन आपको गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर सात के ऊपर, जिम कार्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न है उत्तराखंड के पीसीएस में, ठीक है। तो दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क को पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान यानी हैली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते थे, ठीक है। याद रखेंगे ये बात तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1936 में, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर आठ के ऊपर, वह राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला बाघ अभयारण्य था वह है, बताइए वो कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो देखिए बहुत ही फेमस है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर नौ देखिए, 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, यह बाघ अभयारण्य 21वीं सदी में अपने बाघों के अचानक गायब होने के लिए कुख्यात है, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों अभी आपको पता है 2X और TX दो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लेके ये मुहिम चल रही है, ठीक है। तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरिस्का, ठीक है। सरिस्का आपको राजस्थान में देखने को मिल जाता है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के ऊपर, वह राष्ट्रीय उद्यान जो बिग फाइव के घर के रूप में प्रसिद्ध है,
तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पूछा जाता है बिग फाइव के घर के रूप में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो काजीरंगा। ठीक है, अभी हमने देखा वन ऑन राइनोसोरस, ठीक है, यानी कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए भी फेमस है। चले प्रश्न नंबर 11 देखिए। देखिए अगर आपको मेरी मेहनत ठीक है और कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इफर्ट लगता है कि आपके लिए ऐसे प्रश्न ढूंढ के लाएं फिर प्रेजेंट करें। ठीक है, अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या है पढ़िए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे देखने में मिलता है, मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी हमने देखा बांधवगढ़, ठीक है, उसके बाद माधवगढ़, ठीक है, उसके बाद दोस्तों पन्ना, उसके बाद बताइए राजीव गांधी, ठीक है, सॉरी संजय गांधी, ठीक है, और उसके बाद कौन सा है सतपुड़ा, ठीक है, ये विशेषकर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 12 पे। पीन वैली नेशनल पार्क जो साइबेरियन आइबेक्स के लिए जाना जाता है वो स्थित है, तो दोस्तों पीन वैली नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे दोस्तों। और यहीं पे हिमाचल प्रदेश में ही ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी है, उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। लद्दाख में स्थित अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों, वो भी विश्व स्तर की बात हो रही है, तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को में पा सकते हैं, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, बताइए। देखिए ऑप्शन में कहीं पे है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड का, यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों, तो वो नंदा देवी ही है। ठीक है, और उसी के नाम पे वहाँ पे क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, और अभी हमने जिम कार्बेट नेशनल पार्क के ऊपर भी बात कर ली है। चलिए बात करेंगे हम अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के ऊपर। प्रश्न नंबर 15 देखिए। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो दोस्तों बताएं कहाँ पे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए जल्दी से क्या है। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय वन्यजीव डाटाबेस 2019 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए अपडेटेड डाटा नहीं है, अब मैं अपडेटेड आपको बताता हूं, अभी 106 हो चुका है। ठीक है, तो इतना बात याद रखेंगे, वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन वर्तमान में 106 हो चुका है। ठीक है, तो आपके लिए मैं अपडेटेड कंटेंट लाता हूँ दोस्तों, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इस चैनल पे जितने भी कंटेंट है सारे के सारे अपडेटेड हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चिल्का झील कहाँ पे है दोस्तों, तो उड़ीसा में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नमकीन झील कौन है दोस्तों, तो चिल्का ही है। अगर पूछा जाए विश्व में पहले स्थान पे, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, तो कैस्पियन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कैस्पियन पहले पे है, दूसरे पे चिल्का है। लेकिन अगर सबसे सर्वाधिक लौड़ी पूछे, क्षेत्रफल ना पूछे, तो दोस्तों वो कौन सा झील हो जाता है, वान। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे कौन हो जाता है दोस्तों, डेड सी। ठीक है, कौन हो जाता है दोस्तों, डेड सी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख के चलेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो मेरे दोस्तों ये न्यूज में था बंगाल टाइगर को लेके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुंदरबन क्यों है दोस्तों, यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी। ठीक है, तो सुंदरी नाम का यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है जिसके नाम पे इसका नाम है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 19 के ऊपर। देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बताइए प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे आप। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के ऊपर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है,
तो इसमें बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आपकी जिम्मेदारी है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि साउथ बटन नेशनल पार्क किस राज्य में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। भारत की 19% बाघ आबादी का घर होने के कारण को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, तो बताइए किस प्रदेश में 21% बाघ रहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो मध्य प्रदेश में 19%। ठीक है, कितने दोस्तों 19% बाघ कहाँ पे रहते हैं, मध्य प्रदेश में, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के ऊपर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 पढ़िए ध्यान से। 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अभी हमने बात किया कि हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, कब जोड़ा गया दोस्तों, 2014 में। ठीक है, तो अगर इतना बात याद रखते हैं तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के ऊपर। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है, तो बताइए निम्नलिखित में से राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के ऊपर। अपनी अद्भुत ब्लैक बक आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में आपको ब्लैक बक देखने को मिल जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के ऊपर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और अभी तक हमने जो भी डायनेमिक रहे हैं नेशनल पार्क उनके ऊपर बात करी है, और इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही आएगा। ठीक है, 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के राज्य में स्थित है, तो बताइए किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिल जाता है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में इसको शामिल किया गया है। कब किया गया है दोस्तों, 2016 में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। आप हमें बताइएगा उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आपका दिन शुभ हो। खूब पढ़ाई करें, अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।